इन 12 फूड्स को करें अवॉइड जिनसे हो सकता है कैंसर। एक परेशान करने वाला आंकड़ा जानना चाहेंगे? क्या आपको पता है कि हर हफ्ते 3000 से ज्यादा कैनेडियंस किसी न किसी तरह के कैंसर से डायग्नोस होते हैं? ऐसी न्यूज एक्सेप्ट करना आसान नहीं। ये रोगी के आसपास के सभी लोगों को अफेक्ट करता है और मानो पेशेंट का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। पर आप इससे बच सकते हैं। अगर लोग अच्छी तरह इन्फॉर्म्ड रहें तो वो खुद को कैंसर से दूर रख सकते हैं। हेल्दी डाइट अपनाना अच्छी शुरुआत होगी, साथ ही कैंसर कॉजिंग फूड अवॉइड करना और भी बेहतर। मृत्यु के अलावा कई लोग कैंसर होने पर कीमोथेरेपी के लिए जाने से डरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत कष्टदायक है और बॉडी की दुर्दशा करता है। पहला साइड इफेक्ट है चक्कर और उल्टी आना। ये लगभग उपचार होने के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। दूसरा साइड इफेक्ट है हेयर लॉस। इसी वजह से लोग उपचार शुरू होने से पहले सिर मुड़वाते हुए दिखते हैं। ये सदमे से बचाता है क्योंकि ये लक्षण उपचार के पहले कुछ हफ्तों में ही दिखने लगते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही डेली टिप्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस कभी मिस ना करें। कभी कभी सेहतमंद लोगों में कैंसर डेवलप हो जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि लोग जो कुछ भी खाना चाहें खाएं और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। न्यूट्रिएंट रिच हेल्दी डाइट खाने से न केवल आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी बल्कि कुछ बीमारियों के डेवलप होने का रिस्क कम करने में भी मदद मिलेगी। चलिए जानते हैं वो कैंसर डेवलप करने वाले फूड जिन्हें आपको अपनी डाइट में अवॉइड करना चाहिए। पहला, बीपीए लाइंड कैंस। बहुत सी मेजर फूड कंपनी अपने कैंड फूड की लाइनिंग को बिस्फेनल ए बीपीए से कोट करती है। ह्यूमन और एनिमल सेल्स पर की गई स्टडीज के अनुसार बीपीए कई हेल्थ इश्यूज से जुड़ी है। इनमें कैंसर, इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी और डायबिटीज शामिल है। बीपीए कई तरह के हार्ड प्लास्टिक में भी पाया जाता है, जैसे वाटर बॉटल्स, आई ग्लास लेंसेज, बेबी बॉटल्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और बहुत कुछ। बीपीए पानी और फूड सप्लाईज में घुलकर बहता है और ओवरऑल हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। हालांकि कुछ स्टडीज बताती हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स में पाया जाने वाला बीपीए का करंट लेवल मनुष्य के लिए खतरा नहीं। कुछ शोध बताते हैं कि बीपीए के अधिक सेवन से मेल इम्पोटेंस, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज और अन्य हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा, स्मोक्ड फूड्स। स्मोक्ड मीट में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स नामक कार्सिनोजेंस होते हैं जो इसे खराब होने से बचाते हैं। जब स्मोक मीट पकाया जाता है तब ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स एन नाइट्रोसो कंपाउंड में बदलते हैं जिसमें नाइट्रोसामीन्स और नाइट्रोसामाइड्स होते हैं। एन नाइट्रोसो कंपाउंड्स कैंसर होने के रिस्क को बढ़ाते हैं। इस प्रकार के कार्सिनोजेंस से जुड़े हेल्थ रिस्क में शामिल है स्टमक इन्फेक्शंस और कैंसर, स्ट्रोक या डायबिटीज के रिस्क का बढ़ना, डाइट में सोडियम की मात्रा अधिक होना और बहुत कुछ। अगर आपको स्मोक्ड मीट खाना पसंद है और इसका विकल्प ढूंढ रहे हैं तो कुछ सीजनिंग्स का उपयोग कर इसे स्वादिष्ट बना सकते हैं। आप मीट को मैरिनेट भी कर सकते हैं। क्या आप अभी तक बताए गए फूड्स जानकर सरप्राइज्ड हैं? इसी तरह के कुछ और सरप्राइजिंग फूड्स जो कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं को जानने के लिए देखते रहें। तीसरा, फार्म फिश। स्टोर में मिलने वाली बहुत सारी मछलियाँ फार्म से आती हैं। आपको लगता होगा कि जंगल के बजाय फार्म से मछली लेना सुरक्षित होगा, पर आप गलत हैं। मछलियों में ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 होता है। जंगली मछलियों को ओमेगा 3 एक्वेटिक प्लांट से मिलता है। फार्म फिशेस को अननेचुरल हाई कॉर्न डाइट दिया जाता है जिसमें पॉल्यूटेंट्स और केमिकल्स होते हैं। इस तरह के केमिकल्स में पेस्टिसाइड्स भी मौजूद होते हैं जो सी लाइस को फैलने से रोकते हैं। चौथा, ग्रिल्ड मीट। बढ़िया आंच पर ग्रिल्ड मीट पकाने से बेहतर कुछ भी नहीं। पर क्या होगा जब हम आपको बताएं कि इससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं? हाँ, ये सच है। मीट आग में पकाने से कुछ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स बनते हैं जैसे हेटेरोसाइक्लिक एमीन्स
और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जानवरों पर किए हुए अध्ययनों के अनुसार इन डेंजरस केमिकल्स से कैंसर होता है। पांचवा, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं अगर आप हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स कंज्यूम करते हैं। इसे खराब होने से बचाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ऑयल को हाइड्रोजन के साथ केमिकली प्रोसेस करते हैं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अनुसार हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स में जो ट्रांस फैट होता है वो इन्फ्लेमेशन और इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी को बढ़ाता है। इसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर जैसे हेल्थ इश्यूज से जोड़ा गया है। छठा, माइक्रोवेव्ड पॉपकॉर्न। मूवीज देखते हुए पॉपकॉर्न खाने से बेहतर कोई स्नैक नहीं, पर अगर आप माइक्रोवेव पॉपकॉर्न खाते हैं तो जरा फिर से सोच लीजिए। माइक्रोवेव पॉपकॉर्न एक कैंसर कॉजिंग फूड है। इसके बैग्स परफ्लुरो एल्किल्स, परफ्लुरो ऑक्टेनोइक एसिड PFOA और परफ्लुरो ऑक्टेन सल्फोनेट PFOS से सील्ड होते हैं। पैकेट गरम करते हुए तेल बाहर न निकले, इसलिए इसे यूज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली जब बैग्ड पॉपकॉर्न गरम होते हैं तब केमिकल्स पॉपकॉर्न में चले जाते हैं। कई अध्ययनों में PFOA को एनिमल ऑर्गन्स में ट्यूमर के साथ जोड़ा गया। साथ ही PFOA प्लांट के मजदूरों को भी प्रोस्टेट कैंसर डेवलप होने का रिस्क है। सातवां, नॉन ऑर्गेनिक सब्जियां और फल। जो फसलें कन्वेंशनली उगाई जाती हैं, उनमें पेस्टिसाइड्स, GMO बीज और हर्बिसाइड्स होते हैं। ये तीनों केमिकल्स हेल्थ के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि इनमें कार्सिनोजन होता है। आठवां, चीनी। अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो इसे कम करने की कोशिश करें। कैंसर सेल्स को चीनी से एनर्जी मिलती है। चीनी ट्यूमर्स और कैंसर सेल्स को पोषित कर बढ़ावा देती है। चीनी उन लोगों के लिए भी हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर हो सकती है जिन्हें डायबिटीज या उससे रिलेटेड हाई ब्लड फैट लेवल जैसी कंडीशन हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीनी ब्लड शुगर लेवल और ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाती है, जो ब्लड में पाया जाने वाला एक तरह का फैट है। चीनी में हाई कैलोरीज भी होती हैं। अगर आप ज्यादा चीनी वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स या फूड्स लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इससे वेट गेन के साथ उन लोगों में ओबेसिटी भी बढ़ती है जो पहले से ही ओवरवेट हैं। नवा, सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स। स्टडीज ने कंफर्म किया है कि कैंसर और सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि सोडा जुड़े हुए हैं। वो पैनक्रियाज में इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाकर पैनक्रियाटिक कैंसर डेवलप होने के रिस्क को दुगना कर सकते हैं। सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती और ये ड्रिंक्स शरीर के आवश्यक विटामिन और मिनरल्स को भी लूट लेती है। दसवां, सोय प्रोटीन आइसोलेट। आंकड़ों के अनुसार 90-95% के बीच सभी US विकसित सोयाबीन जिनसे सोय प्रोटीन आइसोलेट बनता है वो जेनेटिकली ऑल्टर्ड होती है। अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन पुष्टि करता है कि सोय प्रोटीन आइसोलेट में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर में न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट और अब्सॉर्ब करने की क्षमता में देरी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो शरीर कैंसर सेल्स से लड़ने में सक्षम नहीं रहता। ग्यारवा, मैदा। अगर आप कमर्शियली विकसित मैदा खरीदते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे प्रोसेस किया जाता है। बीजों को फंगिसाइड से ट्रीट कर इस पर पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, फिर इन्हें इंसेक्टिसाइड्स से कोटेड बिन्स में स्टोर करते हैं। ये सभी केमिकल्स शरीर में टॉक्सिक्स के लोड को बढ़ाते हैं। आटे को सफेद रखने के लिए इसे क्लोरीन ऑक्साइड के साथ क्लोरीन गैस के रूप में मिलाया जाता है। ये कैंसर कॉजिंग फूड्स में टॉप पर है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान मैदा से गेहूं का सार छीन लिया जाता है जो डाइजेशन को धीमा करने के लिए जिम्मेदार होता है, और इससे शरीर के लिए मैदे को ब्लड शुगर में बदलना आसान हो जाता है। तो अगली बार जब आप मैदा खरीदने की सोचें
तो उसे ना खरीदें। 12वां, प्रोसेस्ड फूड्स। जैसा कि हमने स्मोक्ड मीट में पहले बताया कि प्रोसेस्ड फूड में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स होने से स्टमक कैंसर या अन्य कैंसर होने का रिस्क बढ़ सकता है। कई प्रोसेस्ड फूड्स में बड़ी मात्रा में मैदा भी होती है जो बहुत खतरनाक प्रोसेस से गुजरती है और उसमें कई हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स में हेल्दी फैट्स भी अधिक होते हैं और मोटापा बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। प्रोसेस्ड फूड्स आमतौर पर हाई शुगर वाले होते हैं जो सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज हैं, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं। प्रोसेस्ड फूड्स ओवर कंजम्पशन के लिए डिजाइन होते हैं। फूड मैन्युफैक्चरर्स खाने को लोगों के लिए सैटिस्फैक्ट्री बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च करते हैं, जिससे ओवरईटिंग और ओवर कंजम्पशन होता है, जिसके फलस्वरूप वजन बढ़ना और मोटापे से जुड़े हेल्थ इश्यूज होते हैं। प्रोसेस्ड फूड में भी कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो हेल्थ खराब कर सकते हैं। इनमें से कुछ केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स, कलरेंट्स, फ्लेवर्स और टेक्सचर्स होते हैं। प्रोसेस्ड फूड न्यूट्रिएंट्स और फाइबर में लो होने के साथ कार्बोहाइड्रेट्स में हाई होता है। इन सभी को अवॉइड करना या लिमिट में खाना ही अच्छा है। अगर आप अपनी डाइट या हेल्थ के बारे में चिंतित हैं, तो आपको सुनिश्चित होने के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि आपकी हेल्थ ठीक है या नहीं। ये भी सुनिश्चित करें कि आप न्यूट्रिएंट रिच डाइट खाने के साथ जंक फूड कम खा रहे हों। अगर आप कभी भी नई या अनयूजुअल हेल्थ इश्यू नोटिस करें, तो हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स को दूर करने के लिए डॉक्टर से मिलें। ऐसे और कौन से फूड्स हैं जो संभावित रूप से कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं, हमें नीचे कॉमेंट्स में बताएं। आपने इस वीडियो को एंजॉय किया? लाइक बटन हिट करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।